गाइज गुजरात में सुनाव अब करीब है और इस बार जडेजा फैमिली भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। गाइज जडेजा की पत्नी रिबाबा बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रही है, वही उनके ससुर यानी जडेजा के पिता कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जडेजा किसकी साइड लेते हैं। गाइज वीडियो में तो साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जडेजा उनकी पत्नी रिबाबा की साइड लेते नजर आ रहे हैं। गाइज बता दे कि पत्नी रिबाबा के लिए रविंद्र जडेजा भी लगातार कैंपेन चला रहे, रोड शो कर रहे, साथ ही लोगों से हाथ जोड़कर अपना कीमती वोट भी मांग रहे, जबकि दूसरी तरफ उनके पिता कांग्रेस को वोट देने के लिए वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं। ये वीडियो बीते मंगलवार को शेयर किया गया जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे अनुरोध सिंह जडेजा कांग्रेस के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, जहां पहले चरण के चुनाव होने और इसमें एक सीट जामनगर उत्तर विधानसभा सीट पर 1 दिसंबर को मतदान होना है। वायरल हो रहे वीडियो में रविंद्र जडेजा के पिता अनुरोध सिंह जडेजा को भी कहते हुए सुना जा सकता है। विपेंद्र सिंह जडेजा जामनगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे, वो मेरे छोटे भाई की तरह है। मैं राजपूत समुदाय के सदस्यों से उन्हें भारी संख्या में वोट करने की अपील करता हूं। गाइज रिबाबा जडेजा के खिलाफ उनके ससुर ही नहीं बल्कि उनकी ननद यानी रविंद्र जडेजा की बहन नैनाबा कांग्रेस पार्टी की सदस्य है और जामनगर में विधानसभा क्षेत्रों की प्रभारी भी है, वो भी रिबाबा के खिलाफ कांग्रेस के लिए प्रचार प्रचार कर रही है। वही रिबाबा के नाम की घोषणा किए जाने से पहले ही नैनाबा ने कहा था कि अगर पार्टी किसी नए चेहरे को नामांकित करती है तो बीजेपी इस सीट पर अपना कब्जा खो सकती है। तो गाइज कौन हारेगा या कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप इसकी साइड में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे।